हम सरकार से रोजगार चाहते हैं, हमको रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, हमें रोजगार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आज 6 साल हो गए मोदी सरकार को, 6 साल में मोदी सरकार, हमको मजदूरी नहीं मिली एक भी दिन की, रोटी अन्न पानी पैदा नहीं है हमारे लिए। जब से मोदी आया जब से तो हमको ज्यादा भूख भरी है। 2.5 साल बाद निकाल दिया मेरे को, आज घूम रहा हूँ मारा मारा। मैं बीएड हूँ लेकिन बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, ना पढ़े लिखे के लिए शिक्षितों के लिए ना कोई रोजगार मिल रहा है ना कोई नौकरी मिल रही है। मोदी सरकार ये क्यों नहीं देख रही कि इन गरीब मजदूरों के बारे में, इनको रोजगार नहीं मिल रहा, या ये गरीब आदमी कहाँ जाए? जो सरकार है सो हम लोग को बुड़बक समझ रही है, ठीक है, मूर्ख नीचे वाले को। मोदी सरकार को सिर्फ सिवाय ऊपर के सिवाय नीचे दिखाई उनको नहीं दे रहा है। हम ये चौक का लोडिंग का काम करते हैं, ठीक है, तो हमारे हिसाब से ये गुड़गामा मनेसर का जो ये मारुति फैक्ट्री है वो लगभग वो स्ट्राइक हो गई थी या बंद हो पड़ी या मोदी सरकार इनको लेकर कहीं और जगह ले चले हैं। तब से लोहा लंगर का काम धाम सारे बंद है, कोई गाड़ी घोड़ा आना जाना सारे कुछ बंद है, ये सच है बिल्कुल। आप सारे लेबर के समर्थन है मेरे साथ, आप कभी आवाज मार के पूछिए ये सच है कि नहीं, बिल्कुल हम रोजगार से बिल्कुल विमुक्त हो गए हैं। आर्थिक मंदी, हम पहले आते थे यहाँ पर तो बहुत मतलब काम चलता था, अब कोई काम नहीं चल रहा है फिलहाल, मतलब फिलहाल कोई काम नहीं चल रहा है। कम से कम महीनों लोग बाग बहुत पैसा कमाते थे, अब तो कम से कम 10-10 दिन बैठे हो जाते हैं और किसी की झाड़ी भी नहीं लग रही है। लगा लो 10 दिन में एक काम मिलता है, 10 दिन मतलब एक दिन कमा के बच्चे गुजार कैसे होगा बताओ। खाली वैसी ये योजनाएं चल रही हैं, खाली कागजों में दिखावटी, वैसे कोई ना जगह निकलती है किसी के लिए रोजगार के लिए ना कुछ होता है। GST से जो भी नुकसान हुआ है, जो सिवाय लेबर के किसी को नहीं हुआ, किसी मालिक को नहीं हुआ, क्योंकि मालिक को GST लगी तो मालिक ने मजदूर को उठा दिया। मजदूर को उठाने के बाद जिसकी सैलरी 20,000 थी उसकी जगह 10,000 वाला रख लिया, तो मालिक को मुनाफा हुआ है लेबर को हुआ है बताओ आप। मालिकों ने ऑटोमेटिक मशीनें लगा दी, आदमी कम हो गए, बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ गई है। एस्कोर्ट में पहले कम से कम 5,000 आदमी थे थर्ड प्लांट में, आज 1,000 आदमी मुश्किल है, 1,000-2,000। हर तरह की मशीनें आ गई, पेंट की भी मशीनें दूर से ही पेंट कर दें, टायर लगाने वाली मशीन आ गई, टायर चढ़ाने वाली मशीन आ गई, आदमी तो कम कर ही दिए। अब वो बेचारे कहाँ जाएंगे, वो सारे अब लेबर ही बननी है, सारी रोडों पर बैठते हैं लेबरों। क्या हर आदमी को 45 साल हो गए इस रोड पर, आज तक शौचालय नहीं, यहाँ पे 45 साल हो गए, पानी नहीं है, सीवर नहीं है वहाँ, वो जो सामने है यहाँ पे लेडीज़ होती हैं जो प्रेगनेंट लेडीज बच्चे, तो उनके लिए शौचालय नहीं है, और तो छोड़ो, तो वो सामने देखो, वो सामने डिस्पेंसरी से कहते हैं सामने वो देखो कूड़ा कैसा पड़ा हुआ रोड पे, ये यहाँ बच्चे होते हैं। मैंने CM विंडो पे एप्लीकेशन डाली थी। खट्टर जी ने क्या किया? कुछ नहीं किया खट्टर जी ने, क्या किया? 3 एप्लीकेशन डाली, अब तक कोई काम नहीं हुआ। आप हमको ये बताइए कि जो बजट बन रही है, बजट के हिसाब से 250-300 रुपया का वो सैलरी महीना ये मजदूर को बना दिए हैं, और आप देखिए उस 300 रुपया की कमाई में, कम से कम मैक्सिमम 300 रुपया कमाई में जो आदमी पूरा मतलब लड़ाई झगड़ा करके मजदूरी कर ले। अब देखिए मजदूरी में भी लड़ाई यहाँ पर चौक में हो रहा है, हम जाएंगे तो हम जाएंगे, जो चला गया वो जाके सब्जी मंडी में जाके देखिए कि 60-50 रुपये किलो सब्जी खरीदेगा, 30 सबसे न्यूनतम चावल की रेट है 35 रुपये किलो, जाके देखिए तेल का रेट पता है 110 रुपये किलो है, वो 300 रुपया में पूरा एक दिन की घर की खर्चा नहीं हो पाएगा। और जिसको काम नहीं मिला है उसका हाल क्या है? प्याज 80 रुपये किलो और टमाटर 80 रुपये किलो, क्या 20 रुपये किलो 10 रुपये किलो प्याज मिलती थी, आज 80 रुपये किलो प्याज है, ये आर्थिक मंदी नहीं है तो क्या है? देखिए टाइम देखिए कितना हो गया, अभी तक लेबर को चला जाना चाहिए, 12 बज गया, 12 बजे अब घर जाएगा सब, रात में बीवी पूछेगी, बच्चे पूछेंगे इनसे सवाल कि आज बच्चे रात में क्या खाएंगे मेरे बच्चे, इन सब से पूछिए कि ये जाके मूड़ी शर्म से जैसे कि मान मर्यादा कोई गलत काम करके गए अपने अपने घर, सिर अपने पत्ते बचने के सामने सिर झुके, उस दिन का सिर झुकेगा, सिर झुकना चाहिए भगवान के आगे, तो लगते कोई क्राइम करके गए ये सब, क्राइम करके अपने अपने घर, ये हालत है, दुर्दशा है मेरे देश की, मेरे यहाँ की, फरीदाबाद की। जैसे इलेक्शन आएंगे सीधा मोदी जी की गाड़ी आएगी, उसमें एक पर्चा लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ था साफ साफ कि आपको कोई समस्या हो तो इसमें हमारा एड्रेस है मोदी जी का, सब कुछ है इसमें, मोदी जी आपकी समस्या सारी दूर करेंगे, आप इसमें लेटर लिखो, कुछ भी लिखो, कोई समस्या हो इसमें लिख कर दो। मैंने कम से कम 15-20 भरे होंगे इन सब गरीबों के लिए, सब चीज़ों के लिए, कि जो हमारे ऊपर हैं वो हमारे MLA हो गए चाहे कुछ भी होंगे, कोई काम करते हैं, सड़क बना दी, आप ही चलो सड़क ही नहीं है, आप चले जाओ खुद जाओ, आप इधर चले जाओ उधर चले जाओ, सड़क ही नहीं है, यानी कि सड़कें थोड़ी सी बनाने के लिए आ जाएंगे, अरे जो काम में मजदूर उनको तो रोटी मिले कम से कम, वो काम नहीं है। किसी गरीब का
अगर नेता हो के और अगर उसके पेट पे अगर पेट नहीं भर सकता उसके पेट पे लात मारने का अधिकार नहीं है। घर बार अस्त व्यस्त है, मर्यादा बचना भारी मुमकिन है। हाँ निमुमकिन है बिल्कुल एकदम। लोन पर चल रहा है, अब तो हम लोन वाले हो गए, इधर से लेकर इधर इसे झूठ सच बोल के चला रहे हैं। कब तक झूठ सच चला के चलेंगे? ये इसी में खुदकुशी और कोई अनसुनी घटना होगी, यही एक मैसेज दे रहा हूँ। अब होगी घटना अगर यही स्थिति अगर फरीदाबाद में रही तो। गरीब आदमी का बच्चा रोटी को तरस रहा है और पैसा वाले साहब ऊपर आसमान में घूम रहे हैं, विदेश घूम रहा है। साल में कम से कम 50 बार विदेश जाता है, क्यों जाता है? उसको हमारे देश की कोई परवाह नहीं। आज पटना में बाढ़ आई पड़ी है, पटना डूबा पड़ा है, उसी गाड़ी नहीं किसी ने पूछी। नहीं मैं राजस्थान से हूँ। अच्छा, बिहार में कोई रहता है अपना? मेरा कोई भी नहीं है। फिर मैं ये कह रहा हूँ मेरा देश है। मोदी सरकार घर से मतलब नहीं, मोदी सरकार बाहर से मतलब है कि मेरा चीन डुबाना है कि पाकिस्तान डुबाना है। उसको यह जरूरत नहीं कि मेरे को मेरा भारत बचाना है।